मंत्री जी ने पुनः मुझे इस विभाग की जिम्मेदारी दी है, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग की। और जो ये गरीब से जुड़ा हुआ विभाग है, गरीब को खाद्यान्न पहुंचाते हैं और कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले प्राप्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कल नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया गया और आज तमाम मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी पूरा कर लिया गया। आपको बता दें, मंत्री लेसी सिंह को खाद्य आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये जिम्मेदारी मिलते ही मंत्री लेसी सिंह ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने जब वो पहुंची तो उनका स्वागत विभाग के सचिव और श्रवण कुमार द्वारा किया गया। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान बता रही थी कि किस तरीके से राज्य में वो काम करेंगी, किस तरीके से जो खाद्य आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसके लिए वो क्या कुछ योजनाएं बना रही हैं, किस तरीके से जो राज्य में ऐसे लोग हैं जिन्हें ठीक तरीके से जो खाद है उस वो उपलब्ध नहीं हो पाती है उसको लेकर किस तरीके से उनका विभाग काम करेगा, इसकी भी पूरी जानकारी देती नजर आ रही थी मंत्री लेसी सिंह इस मुद्दे पर। और क्या कुछ कहा पहले आप वो सुने। मंत्री जी ने पुनः मुझे इस विभाग की जिम्मेदारी दी है, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग की। और जो ये गरीब से जुड़ा हुआ विभाग है, गरीब को खाद्यान्न पहुंचाते हैं और कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले प्राप्त है। करीब हम लोग 7.25 करोड़ लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाते हैं, निर्बाध ढंग से गुणवत्तापूर्ण सही समय पर पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य की हम लोग सभी हमारे सचिव और पूरे जो विभाग के टीम है उनके साथ मिलकर हम लोग फिर पुनः जो मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उस निर्देश का पालन करेंगे। तो पहले भी अच्छे से काम कर रहे थे और अभी भी जो बताए कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो जिनको आवश्यकता है खाद्यान्न की, राशन कार्ड बनाना जो छूटे हुए लोग हैं, ये तो अनवरत प्रक्रिया है। जो इच्छुक लाभार्थी हैं, जो चाहते हैं कि हमको खाद्यान्न मिले, वो आवेदन देते हैं और जो विहित प्रक्रिया है उसके अनुरूप जांच होती है। यदि वो लेने लायक योग्य व्यक्ति हैं, गरीब हैं, तो उनको हम लोग राशन कार्ड बना के उनके घर तक पहुंचाते हैं और खाद्यान्न पहुंचाते हैं। हमारा लक्ष्य है सही समय पर गुणवत्तापूर्ण निर्बाध ढंग से उनके गरीब लोगों तक पहुँचे और कोई भूखे नहीं सोए गरीब बिहार में, ये हमारा लक्ष्य है। आप सुन रहे थे मंत्री लेसी सिंह को अपना लक्ष्य बताती नजर आई, किस तरीके से उनका विभाग काम करने वाला है इस विभाग में इसकी भी जानकारी देती नजर आई। आपको बता दें कि मंत्री लेसी सिंह को खाद्य आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। कल ही नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार किया गया जिसका इंतजार काफी दिनों से किया जा रहा था, क्योंकि नीतीश सरकार ने जनवरी में ही दोबारा शपथ ग्रहण किया था। जनवरी में ही नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई थी, हालांकि उसका मंत्रिमंडल विस्तार अब तक नहीं हो पाया था, जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर था नीतीश सरकार पर। सवाल उठते थे कि आखिर नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार अब तक क्यों नहीं किया है। तो आचार संहिता लगने से ठीक पहले यानी कि कल नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, तमाम मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। तो वहीं आज बैठक के बाद, एनडीए की बैठक के बाद, जो तमाम मंत्री हैं उनके बीच विभागों का बंटवारा भी कर लिया गया। तमाम मंत्रियों को उनका विभाग सौंप दिया गया। मंत्री लेसी सिंह को खाद्य आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई जिसका पदभार भी आज उन्होंने ग्रहण कर लिया है। किस तरीके से ये विभाग काम करने वाला है, क्या लक्ष्य रहेगा उनका, इसकी पूरी जानकारी देती नजर आ रही थी मंत्री लेसी सिंह। क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।